कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 2301 मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से 157 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 56 लोग जान गंवा चुके हैं। कुल मिलाकर टोटल कंफर्म केसेस 2301 है। अभी तक कोविड 19 से टोटल 56 डेथ रिपोर्ट हुई है, जिसमें से 12 डेथ जो हैं वो कल रिपोर्ट हुई हैं। अब तक टोटल 157 पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो भी चुके हैं। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ देश इस वक्त एक महाजंग लड़ रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के लोगों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया और एक अपील भी की। पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9:09 तक घर की लाइट बंद कर मोमबत्ती या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील की। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के अंधकार को एकजुट होकर प्रकाश की ताकत से हराने की जरूरत है। मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9:00 घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। पीएम ने इस अपील के बाद खेल जगत की 40 बड़ी हस्तियों से बात भी की। इन हस्तियों में पीवी सिंधु, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सितारे शामिल रहे। पीएम ने इन हस्तियों से लोगों को जागरूक करने की अपील की। एक तरफ कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी लगातार सभी से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, तो इस बीच कुछ लोग कोरोना की इस जंग में सबसे बड़ा रोल निभा रहे कोरोना के कर्मवीरों पर हमला कर रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने भी सख्ती करने की ठान ली है। गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की तरफ से ये आदेश आया है। वहीं अमित शाह के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं। सीएम योगी ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका के तहत ऐसे उपद्रवियों पर एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने यह फैसला पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में पुलिस कर्मियों से हुई मारपीट और गाजियाबाद के हॉस्टल में आइसोलेशन में रखे गए तबलीगी जमात के लोगों का डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बदसलूकी करने पर आया है। देश में कोरोना वायरस की जंग से निपटने के लिए हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को अनुरोध के साथ ही सख्त कदम भी उठाने पड़ रहे हैं, ताकि लोगों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए इस जंग को जीता जा सके। वैसे कोरोना संकट की इस लड़ाई को लेकर विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए भारत के लिए $1 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण को मंजूरी दी है।